ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। मामले संबंधी दूसरी धिर के अशोक कुमार ने फोन पर गलबात करदिया कहा कि उन्होंने घरों पैसे चोरी हुए हैं, जिसकी शिकायत थाना रामबाग पुलिस को की गई है। इस मामले संबंधी थाना रामबाग के इंचार्ज तलविंदर सिंह ने फोन पर गलबात करदिया कहा कि मामले की तफतीश चल रही है। इस मौके एडवोकेट नवीन महाजन ने कहा कि पैसे चोरी होने के दोष झूठे और बेबुनियाद हैं। मेरा नाम कलश है सर, मैं रामबाग कृष्णा गली हाउस नंबर 284/5 का रहने वाला हाँ। सर साढ़े उत्ते चोरी का इंजाम लगाया गया, 8.5 लाख रुपए की चोरी का इंजाम लगाया गया। मेरे फादर, मेरे ताया जी, ते मेरे ब्रदर ते मेरे ते साढ़े 4 जन के उत्ते रामबाग थाने दे विच कंप्लेन दर्ज करवाई गई है, झूठी, जो कि बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है। सर यह कंप्लेन मेरे फादर के ब्रदर ते उन्हां दी वाइफ जिहड़ी हैगी आ उन्हां वल्लों दर्ज कराई गई है। उन्हां दा नाम अशोक कुमार ते किरण बाला। हाँ जी सर, साडी अपनी रहिश हैगी है उस घर दे विच, ते उस दिन सानू उन्होंने मतलब कि लॉक करके अंदर ते साडे खिलाफ है सारी जड़ा प्लान है, उन्होंने की कहंदे है प्लान नू उन्होंने अंजाम दिता है ते साडे खिलाफ प्लान किया बहुत जबरदस्त। हाँ जी सर, लैन देन होया, असी अपनी प्रॉपर्टी जिहड़ी है 1.61 करोड़ रुपए दे विच सेल की है, ते मेरे फादर के जिहड़े ब्रदर हैगे उन्होंने साडे खिलाफ कोर्ट दे विच केस फाइल किए हुए सी बहुत सारे, ते सानू हैरेस करन वास्ते केस फाइल किए हुए सी, आपां प्रॉपर्टी सेल करती सी ते फिर उन्होंने केस बंद करवाउण वास्ते सारे असी 8.5 लाख रुपया ते 11 गज जगह जिहड़ी आ दित्ती सीगी ते उन्होंने नाल कॉम्प्रोमाइज़ किया सीगा, सानू ब्लैकमेल करन वास्ते, हैरेस करन वास्ते, दोबारा पैसे हथियाण वास्ते सानू साडे कोलो ओ इस प्लान कर रहे हैं ताकि आपां इन्हां को होर पैसे लै सकीए। हले साडी रजिस्ट्री होनी बाकी है ते साडी रजिस्ट्री दे विच मतलब एक विघन पा रहे हैं। सर मामला जिहड़ा चाहे वा जी, अशोक कुमार सानू पन्ना ला लिया जी, वो पहला उन्हें 1995 केस पाया सी साडे क्लाइंट दे उत्ते, उन्होंने उत्ते कोर्ट च आके बयान दे के सारी पेमेंट लै ली, केस विड्रा कर ले, उस तो बाद उन्हें फिर पैसे दोबारा हड़पन की नीयत के नाल फिर केस फाइल करते दोबारा, जबकि एक बार पैसे लै चुका है, कोर्ट से स्टेटमेंट दे चुका ही, फिर चलो उन्होंने केस फाइल करते। ड्यूरिंग केस फिर उन्होंने प्रॉपर्टी जो सेल की तो परचेजर कहता यार मैं किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, जो उन्होंने देना दे के मुकाओ, नजायज बिना किसी गल तो भाजी 8.5 लाख रुपया कोर्ट के पेमेंट की, 11 गज जगह नाल दिती, उस 3 केस चलते ही कोर्टा चो सारे केस बंद करा के कोर्ट की स्टेटमेंटा करवा के केस बिल्कुल बंद करवाते। 17 तरीक न गल हुई थी पेमेंट तेन कोर्ट च देवे, जबकि ये कोर्ट च पैसे लैन तो पहलों नोटरी तो टैसट करवा गए थे एफीडेविट के, इन्हों का बंदा पैसे लैके उत्थे भज गया, जितों सानू लगता कि बंदा शुरू तो ही नीयत माड़ा से, अशोक कुमार का रैलेटिव से पैसे उसको मानक तौर पर गिन के रखाए थे भी स्टेटमेंट करवा के बाद चो देवे, बाद चो फिर उत्थे रीडर साहब ने कहा कि पैसे कितने, अही क्या भाई पैसे तो बंदा पहलों लग गया, फिर दोबारा अशोक कुमार की स्टेटमेंट करवाई 17 तरीक न, सारे केस विड्रॉ हो गए। हूँ 18 तरीक तो बाद 19 तरीक उन्हें एक नवी एप्लीकेशन देती है जी, मैं मेरा 8.5 लाख रुपया चोरी हो गया, अलमारी टुटी है या वो जो भी गलबात हुई है, बट साढ़े बंदे खुद देखो उन्होंने 8.5 लाख रुपये एक दे रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की, उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट आनी है, उन्होंने की जरूरत है इस तरह के काम करन दी। चलो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी सी, ठीक है जी, इन्होंने कंप्लेंट की है पुलिस ने, लेकिन जो रोल अदा किया ना बिल्कुल ही नैगेटिव रोल अदा किया, उस कुछ उन्होंने ऐसा इलीगल काम करते हैं, जिस तरह की देखो ये बंदे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने लिए तैयार थे, उन्होंने को आना भी सी इन्होंने, लेकिन इन्ना के ज़्यादा गालां बंदा जो उन्होंने दसिया कि लेडीज़ नू जाके उन्होंने बेटियां दे सामने गालां कढ़ियां, ते उस तो बाद रात 11-12 बजे विदाउट लेडी पुलिस दे उन्होंने जाके उन्होंने हरासमेंट की, तो इन्ना के ज़्यादा डराता वा। हुण असीं स्टेटस रिपोर्ट जिहड़ी इहदी सारी सैशन कोर्ट च मंगवा रहे हां, ये सर रामबाग पुलिस स्टेशन है जी, उत्थों दी है सारा वकूआ वा, ते बाकी हुण इहदे ते आपां जिहड़ा अशोक कुमार ने जिहड़ा झूठे केस फाइल किया वा, एप्लीकेशन दिती है इहदी पूरी गहराई ते सारा काम करवावांगे, इहदे जो भी इहदे ते केस बंदे आ कार्रवाई कानूनी बंदी करवावांगे जी।